हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हिंदुस्तान ड्राइव में। सड़पंच बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कारों में शामिल है। फरवरी 2023 के महीने में टाटा पंच की बिक्री हुंडई क्रेटा से भी ज्यादा हुई है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2023 में टाटा पंच हुंडई क्रेटा से भी ज्यादा बिकी है और फरवरी में टाटा पंच देश की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी भी बनी है। फरवरी 2023 में टाटा पंच की कुल यूनिट्स बिकी है 11,169 यूनिट, 11,169 यूनिट। सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 16.44% की बढ़ोतरी हुई है, 16.44%। अगर दोस्तों हम पिछले साल से इसकी तुलना करें तो फरवरी 2022 में इसकी कुल यूनिट्स बिकी थी 9,592 यूनिट्स की ही बिक्री हुई थी। फरवरी 2023 में हुंडई क्रेटा इससे काफी पीछे रही है। इसकी कुल यूनिट्स बिकी है फरवरी में 10,421 यूनिट, 10,421 यूनिट्स। टाटा पंच की इतनी ज्यादा बिक्री तो हो रही है, तो क्या दोस्तों टाटा पंच में कोई भी कमी नहीं है? तो चलिए आज आपको इसकी सात कमियों के बारे में बताते हैं। जो पहली कमी है दोस्तों, वो है इसका इंजन। इसमें हमें मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। इसको हम कमी तो नहीं कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब दोस्तों टाटा पंच को हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या फिर उससे ऊपर स्पीड में चलाते हैं तो इंजन से आवाज आने लगती है। अगर दोस्तों हम अगली कमी की बात करें तो वो है सस्पेंशन। इसके सस्पेंशन काफी फर्म ट्यून है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे सड़क के छोटे छोटे गड्ढों का पता चलता है और कार के अंदर झटके महसूस होते हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों, फिर भी मुझे लगा मैं आपको बता दूं। अगली बात करें तो दोस्तों, जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आती है उसमें कारें हमें सीबीटी और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर कर रही है, जबकि ये एएमटी गियरबॉक्स के साथ आती है जो थोड़ा जर्की और स्लो होता है। अगले की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो रिफाइनमेंट और एनवीएच के मामले में इस प्राइस रेंज के अन्य कारों के 4 सिलेंडर इंजन का मुकाबला नहीं कर पाता है। वहीं दोस्तों अगली कमी की बात करें तो इसमें हमें टर्बो पेट्रोल या फिर टर्बो डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों हमें ये ऑप्शन टाटा पंच में बहुत जल्द मिलेंगे और टाटा पंच का इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों अगली कमी की बात करें, ये कमी तो हम नहीं कह सकते हैं, छोटी गाड़ियों में ये चीज ये समस्या रहती ही है। अगली कमी है दोस्तों, इसके केबिन में 4 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन पांचवें व्यक्ति के लिए जगह थोड़ी कम है, एक सीट पर 2 व्यक्ति ही आराम से बैठ सकते हैं। अंतिम जो कमी है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि इसमें कई ऐसे फीचर्स जो दिए जा सकते थे वो नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों ऑटो डिमिंग, IRBM, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, रियर एसी वेंट, फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट मेकअप होल्डर्स, एडेड डोर आर्मरेस्ट, टायर प्रेशर सेंसर्स और हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स आदि जो है इसमें दी जा सकती थी। दोस्तों टाटा पंच वैसे तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है और ये जो कमियां मैंने आपको बताई है वैसे ये कमियां नहीं है। अगर आपको कोई गाड़ी 5.5-6 लाख की कीमत में मिल रही है तो इस तरह की कुछ एक कमियां उसमें रहती ही है। टाटा पंच एक काफी अच्छी गाड़ी है, 5 स्टार की इसमें हमें सेफ्टी मिलती है। सेफ्टी के मामले में इस प्राइस रेंज में इस गाड़ी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाटा पंच टाटा मोटर्स का एक शानदार प्रोडक्ट है। हाल ही में टाटा पंच का माइलेज भी बढ़कर अब 18.97 किलोमीटर से बढ़कर 20.10 किलोमीटर हो चुका है, जो कि काफी अच्छा है। तो दोस्तों आपको टाटा पंच कैसी लगती है और टाटा पंच अगर आपके पास है तो आपकी गाड़ी में क्या क्या कमियां लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों मैं अगली बार उन पॉइंट्स को अपनी वीडियो में बता सकूं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।